ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपको अपने पढ़ाई की जो आग है वो अपने सीने में लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर BSTC का एग्जाम आपके ऊपर आ चुका है, इन्हीं पूरा पूरा पास में, इन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 दिन आपके पास है। आज इस ऑनलाइन क्लास में राजस्थान BSTC 28 अगस्त 2023 परीक्षा के लिए इंग्लिश और हिंदी से जो प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में जो 50 प्रश्न आने वाले हैं, यानी इंग्लिश के 20 प्रश्न और हिंदी के जो 30 प्रश्न आपके पेपर में जो छपने वाले हैं, वो वही प्रश्न आप सभी को इस वीडियो में इस क्लास के दौरान आपको अच्छे से यहाँ पर रिवाइज करवाने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इनमें से एक भी यदि आप ये जो प्रश्न, ये जो मैं जो आप क्लास पूरी की पूरी जो क्लास है वो अटेंड कर देते हैं, तो इनमें से आप जो है यहाँ पर आपके इंग्लिश और हिंदी में से आपका एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि गलत होगा, यानी हुबहू इस मॉडल पेपर में से आपके हुबहू जो है एग्जाम 28 अगस्त 2023 के पेपर में हुबहू वो रामबाण प्रश्न छपने वाले हैं, आने वाले हैं। अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को विजिट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़े तो इस क्लास को देखने के बाद हमारी जो वेबसाइट है rjstudymonitor.com, वहाँ इस वेबसाइट के माध्यम से जितने भी और भी इंपॉर्टेंट जो अदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो भी आप जो है पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं, वो आपको 28 अगस्त 2023 के पेपर में दिखने को मिलेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो राजस्थान BSTC 2023 ऑनलाइन क्लास इंग्लिश और हिंदी की काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हम इस क्लास के दौरान एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, एग्जाम के पेपर में कौन सा प्रश्न हुबहू जो है आपके एग्जाम के पेपर में आ सकता है, वही प्रश्न जो यहाँ पर हम हल करवा रहे हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी ग्रुप्स में आप जरूर जो है यहाँ पर शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मैं 1 मिनट का आपके पास से समय ले रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप जो है 1 मिनट का समय निकाल कर आप सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है यहाँ पर शेयर कर लीजिए, ताकि जो और भी जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ जुड़ सके और यहाँ पर पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। उससे पहले एक यहाँ पर मोटिवेशनल कोर्स बता दूं एक कि मिलती नहीं सफलता एक दिन में, यानी एक दिन में दोस्तों कोई सफल नहीं होता, मगर यदि एक दिन जो आप फैसला लोगे, एक दिन आपने ठान लिया, वो आपको जरूर जो है यहाँ पर सफलता देता है, यानी वही यदि आप ठान लेते हो कोई भी चीज़ तो आपको यहाँ पर जरूर आपको मिल जाती है। तो प्रथम जो यहाँ पर पहला जो प्रश्न आप सभी के सामने है कि कालिमा जो शब्द है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय है, दोस्तों प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाएंगे और उपसर्ग से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो यहां पर इंग्लिश ग्रामर के लिए हिंदी ग्रामर में आपसे यहां पर 2 से 4 जो प्रश्न है वो आपको प्रत्यय से और यहां पर उपसर्ग से प्रश्न आपको हुबहू मिलेंगे। तो देखो यहां पर इसका जो आंसर है ये कालिमा शब्द है में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 2016 के पेपर में BSTC के पेपर में जो यहां पर आया हुआ है, तो अब की बार ये 100% आपके जो यहां पर एग्जाम के पेपर में आपको BSTC 28 अगस्त 2023 के पेपर में हिंदी सब्जेक्ट से, हिंदी पार्ट से आपको ये प्रश्न मिल सकता है। तो देखिए यहां पर कालिमा शब्द में जो प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो क्या है, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईमा, ठीक है, यानी इस कालिमा में, ठीक है, कालिमा, ठीक है, कालिमा में जो प्रत्यय है दोस्तों वो क्या है, ईमा है, यानी काल प्लस ईमा शब्द से बना हुआ है दोस्तों कालिमा, ठीक है, काल प्लस ईमा शब्द से क्या बना हुआ है, कालिमा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका ये क्या हुआ दोस्तों, प्रत्यय हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों, प्रत्यय हुआ, और का क्या हुआ दोस्तों, इसका उपसर्ग हुआ। तो यहाँ पर उपसर्ग भी पूछा जा सकता है इसका और प्रत्यय भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है, अच्छे से हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी के क्वेश्चंस की बात करूंगा यहाँ पर, उसके बाद हम इंग्लिश के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, यानी इस क्लास के दौरान आपके इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस, यानी इसको पढ़ने के बाद, इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपका इंग्लिश और हिंदी से जुड़ा कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये काफी जो इंपॉर्टेंट है वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के लिए यहाँ पर है, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को क्या करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ आपको क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि आपके लिए जो क्लास है वो हमारी जो टीम है वो काफ़ी मेहनत के साथ इस क्लास को तैयार की है, तो जो कि आप सभी के लिए है, आप सभी के लिए डेडिकेट है, तो आप जो एक जरा सा एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर जरूर करना है।
नीलकंठ दोस्तों जो शब्द है नीलकंठ, नीलकंठ में दोस्तों जो समास है वो कौन सा है, तो कौन सा समास जो प्रयुक्त किया गया है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो यहाँ पर द्विगु समास नहीं है, ठीक है दोस्तों, द्विगु समास नहीं है, द्वंद समास नहीं है। देखो यहाँ पर इन सभी की जो समास की आपको अच्छे से परिभाषा पता है, यानी कौन से, यानी पहचान पता है, ठीक है दोस्तों, पहचान पता होनी चाहिए कि ये शब्द जो है यहाँ पर इस समास का है। अव्यभाव समास में दोस्तों यहाँ पर इसमें अव्यय होना चाहिए, जो शब्द है जो पहला जो शब्द है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों अव्यय है, तो वहां पर आ जाएगा दोस्तों कौन सा समास प्रयुक्त होगा, अव्यभाव समास प्रयुक्त होगा। द्विगु समास में दोस्तों ध्यान से आपको पढ़ना है, आपने पढ़ा भी होगा, द्विगु समास में दोस्तों यदि काउंटेबल यानी गणित से जुड़े गिनती वाले यदि आंकड़े आते हैं, ठीक है, जैसे दोस्तों दशानंद, ठीक है दोस्तों एक शब्द है दशानंद, मैं एक एक प्रश्न को अच्छे से करवा रहा हूं ताकि आपका इधर गिधर कोई भी डाउट नहीं रहे, और वो भी क्वेश्चन आए तो आपका जो यहाँ पर आप आसानी से कर सको, क्योंकि ऐसे सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देने से अच्छा है उसको अच्छे से समझाए, ताकि उसके यदि उससे जुड़ा भी कोई प्रश्न आए तो आप उसको कर सके, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पर इस क्लास को आपको एंड तक जो है अटेंड करना है, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए ये जो क्लास है वो रामबाण साबित होने वाली है, आपकी तैयारी की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है, और आपकी इसमें परख भी हो रही है, ठीक है। आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करें कैसे आपको क्लास लग रही है, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में, क्योंकि आसमान भी मुझसे नीचे उड़ेगा, मेरे हौसलों में इतनी ताकत है, ठीक है। आपको किससे कहना है दोस्तों, अपने खुद से कहना है कि आसमान भी मुझसे नीचे उड़ेगा दोस्तों, मेरे हौसलों में दोस्तों इतनी ताकत है, और जितनी ताकत है दोस्तों इस क्लास में आपको लगा देनी है अच्छे से, पूरे के पूरे दोस्तों फोकस के साथ आपको अच्छे से दोस्तों क्या करना है, एक ही क्लास को अच्छे से पढ़ना है, यानी एक ही क्वेश्चंस को अच्छे अच्छे देखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर हम द्विगु समास की बात करते हैं दोस्तों, दशानंद यानी इसमें दोस्तों दस क्या आ रहा है दोस्तों, एक काउंटेबल है, एक गणित का है दोस्तों आंकड़ा है, तो यहां पर दस प्लस आनंद, तो इसमें दोस्तों द्विगु समास हो सकता है। द्वंद समास जिसमें दो अलग अलग कोई हो, जैसे मान लीजिए दोस्तों माता पिता, माता पिता में कौन सा समास आएगा दोस्तों, द्वंद समास होगा, यानी अलग अलग दोस्तों। इसमें दोस्तों नीलकंठ, ठीक है दोस्तों, कंठ है जिसका नीला, क्या हुआ है दोस्तों, कंठ है जिसका नीला, तो ये आ जाएगा दोस्तों यहां पर बहुविर्वी समास, ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दोस्तों। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आपको एग्जाम के पेपर 28 अगस्त 2023 के पेपर में आपको मिलने वाला है, इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़े, अच्छे से रटे, ताकि आपको जो यहाँ पर फिर जो है आप मत पछताना कि मैंने वो क्लास अटेंड की होती तो मैं यहां पर हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता, इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता। तो प्लीज वीडियो, ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इस क्लास से आप बहुत कुछ जो है यहां पर लेकर जाने वाले हैं, ठीक है, आप बहुत कुछ जो है यहां पर पढ़कर, और 28 अगस्त 2023 के लिए आप एक रामबाण जो प्रश्न जो है यहां पर लेकर जाने वाले हो। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं शुद्ध व्रतनी वाला दोस्तों जो शब्द है, ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसमें, जिसमें एक आएगा दोस्तों शुद्ध व्रतनी वाला जो है यहां पर की पहचान करनी है, और एक आएगा यहां पर अशुद्ध जो व्रतनी है वो शब्द जो है आपको पहचान करनी होगी, दो यहां पर आपके प्रश्न आने वाले हैं। देखो शुद्ध व्रतनी वाला दोस्तों जो शब्द है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा, इसमें दोस्तों जो शुद्ध व्रतनी है उसकी आपको पहचान करनी है, तो ध्यान से अच्छे से इसको भी पढ़ना है, जल्दबाजी में आपको यहां पर गलत नहीं करना है, तो इसका जो यहां पर ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, मैंने आप जो यहां पर ऊपर दोस्तों प्रत्यय की बात की गई थी, अब इसमें आपको यहां पर अलग करना है दोस्तों, उपसर्ग अलग करना है, ठीक है, इससे भी उपसर्ग वाले दोस्तों दो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इसी मॉडल पेपर से आपके दो प्रश्न कवर हो जाएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निश्चल दोस्तों जो शब्द है उसमें दोस्तों उपसर्ग है वो कौन सा होगा, तो यहां पर जो नीच है ना, ठीक है दोस्तों, नीच है, ठीक है, इसको अलग करना है आपको, नीच प्लस शल, ठीक है दोस्तों, जो श होगा वो ये आएगा। अब ये दोस्तों जो मिलकर बना है ना, वो बना है ये शब्द, तो इसका उपसर्ग दोस्तों क्या हुआ, यहां पर नीच हो गया, ठीक है, अब इसका ये प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है, काफी महत्वपूर्ण है, इसका यहाँ पर ये आंसर है, यदि एग्जाम के पेपर में 28 अगस्त 2023 के पेपर में ये प्रश्न आए तो इसका आंसर याद करना, ये नीच है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर एक दिए गए कुछ व्यंजन दिए गए, य र ल व, ठीक है, य र ल र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। देखो वर्ग भी आपने पढ़ा होगा, तालव्य वर्ग है, उष्म वर्ग है, अंतस्थ वर्ग है, ओष्ठ्य वर्ग है,
व्यंजन की दोस्तों ध्वनि, व्यंजन की दोस्तों जब हम ध्वनि करते हैं या उसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हैं तो हम कैसे करते हैं, तो वो दोस्तों यहां पर वर्ग हो जाता है। जैसे कोई शब्द है दोस्तों, त जो शब्द है, त त का जो शब्द है वो किस से होता है, ठीक है। जब हम त का उच्चारण करते हैं, ओ, ओ का उच्चारण दोस्तों, ये जो यहां पर किस वर्ग से संबंधित है दोस्तों, औषट्य वर्ग से संधि यानी ओष्ट वर्ग से संबंधित है। यानी जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, ओष्ट का प्रयोग करते हैं, यानी होठों का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर ये ओष्ट वर्ग में आ जाएगा। उसी प्रकार से जब यहां पर प्रश्न है कि य र ल व, तो इस वर्ग का यहां पर ये आप उच्चारण करें तो यहां पर अंतस्थ यानी अंदर से ये वाणी आ रही है, यानी अंदर से उच्चारण हो रहा है, तो इसका यहां पर ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी स जो यहां पर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इनके वाले ये भी जो प्रश्न आपके दो प्रश्न आपको यहां पर हुबू आपको एग्जाम के पेपर में दिखेंगे, ये भी आ सकता है, त थ द ध भी आ सकता है। इस प्रकार से आपको यहां पर याद आपका जो भी हो तालव्य उष्म आप मुंह से उच्चारण करके इसका पता कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द, क्योंकि हिंदी व्याकरण से संबंधित जो BSTC में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, ठीक है, ये भी एकल शब्द है, ये भी आएंगे। तो गजवसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब दोस्तों नहीं है, है, इसका आपको ध्यान से जल्दबाजी में किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है, अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है। यही दोस्तों जो कि 3 घंटे का आपके पास समय रहेगा, ठीक है, 3 घंटे का दोस्तों समय रहेगा, लेकिन समय का दोस्तों जरूर ध्यान रखना है, लेकिन आपको अच्छे से प्रश्नों को करना है, ठीक है। जो भी मैंने आपको बता दिया है एग्जाम 27 अगस्त को, और भी हम अच्छे से आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गजवसा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है तो दोस्तों कुजरा, शरा, रंबा, ठीक है दोस्तों, केला और मुकुल, इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द है जो कि गजवसा का दोस्तों क्या नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर हम वो भी हम बात करेंगे, यदि कोई ऐसा दोस्तों प्रश्न आ गया, मान लीजिए दोस्तों ऐसा प्रश्न आ गया और ऐसा दोस्तों पर्यायवाची का शब्द आ गया जिसमें हमें दोस्तों पता ही नहीं है, हमें दोस्तों पता ही नहीं है, वो शब्द हमने पहली बार सुना है, हमने पहली बार उसका जो यहाँ पर अध्ययन किया है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है दोस्तों, जो आपको शब्द, जो आपको दोस्तों शब्द समान लग रहे हैं उसको तो दोस्तों आपको हटा देना है कि ये भी नहीं हो सकता, ये जो अंतिम में दोस्तों जो यहाँ पर शब्द ऑप्शन बचता है वो उसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, वही एक तरीका आपके पास रहेगा। फिर गजवसा का दोस्तों इसका मां आ सकता है, ठीक है, थोड़ा यहां पर एक अलग जो ये शब्द है तो आ सकता है कि पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, जो मुकुल है दोस्तों ये इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी केला, रंबा, कुजरसरा, ये दोस्तों कुंजन सरा है दोस्तों, ये कुंज सरा है, ठीक है, ये दोस्तों कुंजरा सराय, ये आ जाएगा, ठीक है, कुंजरा सराय, ये भी इसका दोस्तों क्या है, पर्याय है। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से ये ऑनलाइन क्लास इसी तरीके से इसी पूरे के पूरे दोस्तों जोश के साथ एंड तक होनी चाहिए दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप जरूर इस क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। और आप हमारे साथ डायरेक्ट जो है यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को कॉमेंट्स थे कि हमें डायरेक्ट जो है यहाँ पर कुछ मॉडल पेपर भी चाहिए इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको मॉडल पेपर भी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, हमारे चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, मित्र एंड एजुकेशन हेल्प चैनल, ठीक है, जो कि मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। जिंदगी में दोस्तों कभी भी डरकर रुकना नहीं, चाहे कितनी भी दोस्तों बड़ी मुश्किलें हो कभी भी झुकना नहीं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, चाहे कितने भी बड़ा कोई भी बड़ा कितना भी बड़ा दोस्तों एग्जाम हो उसके सामने दोस्तों कभी भी हमने जो है हमें बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा, ठीक है, बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर हमें किरदार भी निभाने होंगे। हथेली का आंवला दोस्तों मुहावरे का अर्थ है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जादू का खेल, निसंदेह बात, यथार्थ बात, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के सामने दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों निसंदेह बात, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोस्तों बात है जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, निसंदेह बात यानी हथेली का आंवला, ये इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। यदि एग्जाम के पेपर में आता है तो स इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, स्पष्ट सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों बर्बर,
ठीक है। बर्बर जो दोस्तों उसका जो सही विलोम शब्द, विलोम यानी उसका उल्टा, ठीक है दोस्तों। तो सभ्य होगा बुरा होगा, दुष्ट होगा अत्याचारी होगा। तो सभ्य, सभ्य दोस्तों इसका दोस्तों जो विद ऑपोजिट दोस्तों क्या होता है, बर्बर होता है, ठीक है बर्बर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको हुबो 28 अगस्त 2023 के पेपर में यही प्रश्न हुबो मिलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी कौन सा दोस्तों कर्म है, ये दिए गए ना दोस्तों कर्म दिए गए, तो इनमें कौन सा है जो कि प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों, इंटेग्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है, आ सकता है आपके एग्जाम के पेपर में दोस्तों। कौन, तो कौन तो दोस्तों क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसे, तुम, क्या, तो यहां पर जो कैसे है ना, ये प्रश्नवाचक जो है यहां पर सर्वनाम नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो डायरेक्ट यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से प्रश्नों को पढ़े, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामबाण प्रश्न है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों बहुव्रीहि समास है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, एक शब्द बताया था दोस्तों ऊपर, हमने एक शब्द था नीलकंठ, जिसमें प्रयुक्त समास था बहुव्रीहि। पंकज, पंकज कमल नयन, कमल नयन राजकुमार, राजकुमार पानी, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा दोस्तों जो समास है, वो जो बहुव्रीहि समास है उसका कौन सा ये उदाहरण है, तो कौन सा शब्द इसका उदाहरण है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो पंकज है ये इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने सुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ऐसे व्यंजन जो कि सुक्त व्यंजन के वर्ग में आते हैं, ऐसे ऐसा कौन सा है, ठीक है। तो य र ल व, ठीक है, य र ल व ये सुक्त व्यंजन है, या फिर च च चट्टकोण वाला च है, फिर ह है, ये है, च त्र ज्ञ छ्र है, श त्र ज्ञ हण है। तो इनमें से कौन सा सुक्त व्यंजन है, सुक्त व्यंजन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है श ऑप्शन, ठीक है, क्षत्रिय वाला छ है और त्री है एंड ज्ञ है एंड श्र है, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सुक्त व्यंजन है, ठीक है। कैसे व्यंजन है, ये सुक्त व्यंजन है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, हुबो आपको एग्जाम के पेपर में दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा व्रीन नाशिक्य है, नाशिक्य व्रीन वे व्रीन जो कि नाक के द्वारा उच्चारण होता है, नाक की सहायता से, नाक की सहायता से उच्चारण। तो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 28 अगस्त 2023 पेपर के लिए ये सभी प्रश्न, हिंदी के सभी प्रश्न, इस क्लास को देखने के बाद, इन प्रश्नों को देखने के बाद हिंदी और इंग्लिश से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वर्ण से संबंधित, समास से संबंधित, शुद्ध अशुद्ध वृत्ति प्रत्यय उपसर्ग समास जितने भी जो है यहाँ पर सभी प्रश्न मैं करवाऊंगा, और उन्हीं प्रश्नों में से वो आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। तो हण है, च है, शशि छत्री वाला है और छ से षटकोण वाला है, तो इनमें से नाशिक के जो है वो कौन सा है, तो हण, हण जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें नाक के द्वारा आता है उच्चारण, तो इसका अ हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर उच्चारण करके बोलकर भी आप इसका पता कर सकते हैं कि ये कौन सा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी इसमें वापस नाचिक्य का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये 13वां होगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आपको वर्ड हुबो एग्जाम के पेपर में दिखने वाला है। तो यहाँ पर ये म हो जाएगा, जब हम म का उच्चारण करते हैं ना म, तो यहाँ पर नाक की सहायता से ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, जब हम नाक को बंद करें फिर म का उच्चारण करें तो फिर उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो ध्वनियां हैं वो क्या कहलाती है, च सत्री वाला च है, ज ज और हणा, तो ये कंठीय ध्वनि है, यानी कंठ की सहायता से जो बोली जाने वाली उच्चारित मूर्धन्य है, ठीक है, मुंह की सहायता से, ठीक है, अच्छे से इनको भी कंटेस्ट करें, तालव्य, तालुक की सहायता से, ठीक है, तालुक की सहायता से, दंतोष्ठ है यानी ये दांत की सहायता से, तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहां पर तालव्य है,
कैसी हैं ये ध्वनियां? तालव्य है, तालुक के द्वारा यहां पर बोली जाने वाली है, उच्चारण है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं आलप पर्वत यूरोप का हिमालय है। एक यहां पर एक वाक्य दिया गया है, ठीक है, वाक्य है, एक सूक्त वाक्य दिया गया है, एक वाक्य आपके सामने कि आल्प्स जो पर्वत है वो यूरोप का दोस्तों क्या है, हिमालय है। अब इसमें जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर ये सभी है। अब उसमें देखो जातिवाचक से संबंधित जो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिलती है, जो परिभाषा मिलती है, यदि आपको इन तीनों की परिभाषा, यदि इनको तीनों की यदि आपको पहचान अच्छे से है तो आप आसानी से इसको जो यहाँ पर हल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका व्यक्तिवाचक कोई रूप नहीं है, इसमें कोई भाव जताया नहीं है, इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं की गई है, इसमें की गई है दोस्तों जातिगत बात, ठीक है दोस्तों। आल्प्स जो पर्वत है एक जाति से संबंधित है, बहुत सारे पर्वत है दोस्तों, यूरोप का दोस्तों क्या है दोस्तों, हिमालय है, तो ये जातिवाचक संबंधित है, यानी इसका अ जो आंसर होगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अब जो नेताजी है वो अब नहीं रहे, वाक्य सीधा सा है कि जो नेताजी है वो अब नहीं रहे, तो दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संबंधित है। कैसे है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संबंधित है, जातिवाचक संबंधित नहीं है, भाववाचक संबंधित नहीं है दोस्तों, ये सभी ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी ये कैसा है दोस्तों, यहाँ पर पर्सनल है, ठीक है दोस्तों, जो नेताजी अब नहीं रहे, तो ये सेंटेंस यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी तो सबका है, वाक्य में ये क्या है, ये जो है ना ये क्या है दोस्तों, ये नहीं कि ये सेंटेंस क्या है, आप समझे अच्छे से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं जब भी एग्जाम के पेपर में प्रश्न को पढ़े, उनके ऑप्शंस को देखें, उनके ऑप्शंस को समझे, फिर आप फाइनल आंसर तक आप पहुंचे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, आप सभी को प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना, उनको अच्छे से समझना। तो ये पानी तो सबका है वाक्य में दोस्तों, जो ये है ना, ये जो है दिया गया है, ठीक है, इस वाक्य से कंपेयर करें, ये पानी तो सबका है, तो ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये कौन सा विशेषण है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, सबका इसमें दोस्तों विशेषण बताया गया है, लेकिन कैसा दोस्तों बताया गया, सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से संबंधित नहीं है, भाववाचक संज्ञा जिस वाक्य में दोस्तों भाव का दोस्तों उद्दित किया हो या फिर उसका उच्चारण किया हो, भाव को प्रयुक्त किया हो, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी भाववाचक दोस्तों। इसमें दोस्तों कौन सा भाववाचक नहीं, मिटाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उत्तराई, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा चतुराई। चतुराई से संबंधित दोस्तों ये भाव से संबंधित है, क्या हो जाएगा दोस्तों, भाव सॉरी चतुराई है वो दोस्तों भाववाचक है, लड़ाई है वो भाववाचक है, उत्तराई भी भाववाचक है, मिठाई दोस्तों ये भाववाचक नहीं है, मैंने यहाँ पर नहीं देखा, तो यही आपको गलती नहीं करनी है, इसी तरीके से स्टूडेंट से गलती होती है, ठीक है, तो आपको गलती नहीं करनी है, प्रश्नों को देखना है कि नहीं है या फिर है, जिस प्रकार से मैंने अभी जो है यहाँ पर आपको बोला कि चतुराई, तो यहाँ पर चतुराई दोस्तों भाववाचक है, लेकिन हमने यहाँ पर जो प्रश्नों को पढ़ा है ना उसके हिसाब से मिटाई दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, काफी रामबाण जो प्रश्न है वो हम पढ़ चुके हैं, और आपको इन प्रश्नों को रट लेना है, फाइनल सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये एग्जाम के जो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि हिंदी के लिए अंतिम आपके लिए डोज है, और भी हम क्लासे लाएंगे, लेकिन वो फिर मिक्स कंटेंट होगा, वो इंपॉर्टेंट सब कुछ फुल पेपर होगा, तो इसलिए आपको ये जो हिंदी के लास्ट इंपॉर्टेंट रामबाण जो महामैराथन जो यहाँ पर जो प्रश्न थे वो आप सभी के लिए हिंदी के ये थे। तो अब हम इंग्लिश की बात करेंगे, तो इंग्लिश के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए दोस्तों। तो ब्रिस्क जो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, ठीक है, ब्रिस्क एक यहाँ पर वर्ड दिया गया दोस्तों, और इसका आपको साइनोनिम जो है, यानी जो सिमिलर जो वर्ड है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ब्रिस्क, तो सबसे पहले इसका दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है तीव्र या जल्द, ठीक है दोस्तों, तीव्र या जल्द दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो वन जो यहाँ पर सिमिलर जो वर्ड होगा वो क्या, ब्राइट होगा, क्विक होगा, एक्टिव होगा, पजल्ड होगा। तो ब्राइट का अर्थ होता है दोस्तों चमक,
क्या होता है दोस्तों, अर्थ चमक होता है, क्विक का अर्थ होता है दोस्तों जल्द, तो यही इसका आंसर है। एक्टिव यानी चालित, चालक कह सकते हैं, पजल्ड यानी परेशान, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्विक, ठीक है। दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये हो जाएगा इसका सही सिनोनिम यानी इसका सिमिलर वर्ड। इसी प्रकार से इंग्लिश में सिमिलर वर्ड दुख के दो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर बिहेव का हम ऑपोजिट देखेंगे कि जो बिहेव यानी होता है दोस्तों व्यवहार, क्या होता है दोस्तों व्यवहार। अब दुव्यवहार, ठीक है, व्यवहार होता है दोस्तों यहाँ पर, इसका क्या होता है हिंदी में तो बोले तो दोस्तों दुव्यवहार होता है। अब यहाँ पर इसी को ऑपोजिट करेंगे इंग्लिश में, तो अनबिहेव होगा, मेल बिहेव होगा, इल बिहेव होगा या फिर मिस बिहेव होगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मिस बिहेव, क्या होगा, मिस बिहेव। दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, द सफिक्स टू यूज वर्ड होप इन ए पॉजिटिव। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो होप है इसमें आपको सफिक्स बताना है, जो सफिक्स है दोस्तों, सफिक्स ये जो यानी हिंदी में बोले तो दोस्तों उपसर्ग, आपको उपसर्ग नहीं प्रत्यय, ठीक है दोस्तों, प्रत्यय आपको जो है यहाँ पर वो लगाना है, इसके पीछे आपको यहाँ पर प्रत्यय लगाना है। तो जो पीछे लगते हैं ना उनको इंग्लिश में बोला जाता है सफिक्स। तो यूज वर्ड होप किसके करना है दोस्तों, ये जो होप है ना इसके, तो यहाँ पर होपिंग होगा, होपसम होगा, होपलेस होगा या फिर होपफुल होगा। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, होपफुल दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी होपफुल होगा, तो इसलिए ये बनेगा दोस्तों सफिक्स, जब सफिक्स ऐड करेंगे दोस्तों फुल, ठीक है दोस्तों, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों सूटेबल वर्ड, इसमें आपको जो सूटेबल वर्ड हो रही है वो आपको यूज करनी है। तो किलिंग या मर्डर, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, यानी किसी को दोस्तों मारा गया और किसी का या फिर उसको मर्डर किया गया दोस्तों, मर्डर के लिए जो पॉलिटिकल जो दोस्तों जो रीजन दिया गया है वो दोस्तों उसका सुसाइड दिया जाएगा, क्या उसका सुसाइड कह सकते हैं उसको दोस्तों, या फिर उसको जेनोसाइड या फिर एसेसिनेशन, क्या दोस्तों एसेसिनेशन का होता है दोस्तों हत्या, क्या होती है दोस्तों हत्या, या फिर होमिसाइड, होमिसाइड क्या होती है दोस्तों मानव हत्या, ठीक है दोस्तों मानव हत्या होमिसाइड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, सूटेबल वर्ड दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एसेसिनेशन, ठीक है दोस्तों एसेसिनेशन दोस्तों दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको इसमें करेक्ट नहीं है ये दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस स्पेल्ड दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों ये मिस स्पेलिंग दी गई है, इसमें आपको जो करेक्ट जो स्पेलिंग है, ये जितने भी यहाँ पर स्पेलिंग दी गई है इनमें से तीन स्पेलिंग दोस्तों कैसी है दोस्तों इनकरेक्ट है, ठीक है दोस्तों इनकरेक्ट है, एक है दोस्तों जो है वो करेक्ट है। आपको जो पहचान के ये आइडेंटिफाई करना है कि जो एक जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है, जब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ मैं आपको शब्द भी आपको दे दूंगा इसके लिए, क्योंकि ये भी एक प्रश्न आएगा जो कि तीन नंबर के लिए रहेगा, तो आपके लिए एक नंबर भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो सेपरेट दिया गया है, सेपरेट का अर्थ होता है दोस्तों अलग होना, अलग करना या होना, ठीक है तो अलग करना, तो दोस्तों जो ये जो स्पेलिंग है ना वो सही है, न कि सेपरेट, सेपरेटी, ठीक है सेपरेटी, ठीक है तो ये पर जो सेपरेट है दोस्तों दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक शब्द दिया गया है, ऑपोजिट वर्ड बताना है डेबोनेर, ठीक है दोस्तों डेबोनेर एक शब्द है, इसका दोस्तों जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आकर्षक, क्या होता है इसका हिंदी अर्थ होता है आकर्षक, ठीक है इसे अट्रैक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में, एक इसका ऑपोजिट नहीं कह सकते, उसका सिमिलर वर्ड है दोस्तों, यहां पर ऑपोजिट नहीं सिमिलर वर्ड है अट्रैक्शन, क्या है दोस्तों अट्रैक्शन, लेकिन हमें इसका बताना है दोस्तों ऑपोजिट। तो बालमी होगा, ठीक है दोस्तों, या फिर स्पोरेटिव होगा, स्टीमी होगा या औकार्ड होगा। तो इसका जो सही जो आंसर होगा, इसका जो क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर होगा, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा अवकार्ड हो जाएगा, ठीक है अवकार्ड हो जाएगा, यानी ये इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। स्पोरेटिव का अर्थ होता है दोस्तों हसमुख, क्या अर्थ होता है दोस्तों हसमुख अर्थ होता है, ये इसका नहीं होगा। स्टीमी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर हास्य कह सकते हैं या फिर उसको यहाँ पर स्माइली कह सकते हैं। बालमी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर चमक, ठीक है इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो सही जो आंसर होगा वो यहाँ पर दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको करेक्ट फॉर्मेशन यहाँ पर यूज करनी है इन क्वेश्चंस में, जो सेंटेंसेस दिए गए इनमें आपको करेक्ट फॉर्मेशंस का यूज करना है, ठीक है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो फिर से आपके साथ एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस क्लास को जरूर लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि एक शेयर आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम इतनी मेहनत के साथ जो है आपके लिए जो क्लास बना रहे हैं तो उसके लिए एक जरूर यहाँ पर शेयर जरूर आप कीजिए। माई फ्रेंड फॉर मी सिंस 2 o'clock, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हैज बीन वेटिंग, इज वेटिंग, वाज वेटिंग, विल बी वेटिंग। तो इसमें सबसे पहले आपको पहचान करनी है कौन सा टेंस है। तो ये टेंस दोस्तों कैसा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, यानी सिंपल टेंस है, इंडेफिनाइट टेंस है दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट टेंस इसका प्रयुक्त हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों माई फ्रेंड इज वेटिंग आएगा। क्या आएगा दोस्तों, इज वेटिंग आएगा, ही इज वेटिंग आएगा। और उसके साथ भी दोस्तों आई एन जी की फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा करेक्ट फॉर्मेशन, दिस इज करेक्ट फॉर्मेशन, इज वेटिंग। तो माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स बताना है, हिस्ट्रियोनिक, ठीक है, हिस्ट्रियोनिक। तो हिस्ट्रियोनिक का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सही जो आंसर होगा इसका हमें सिमिलर वर्ड बताना है। तो यहाँ पर ओवर ड्रामेटिक हो जाएगा, ओवर ड्रामेटिक, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओवर ड्रामेटिक, दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें जो स्पेल्ड वर्ड दिया गया है वो सही जो स्पेल्ड वर्ड है, वर्ड है, सही जो स्पेलिंग है वो आपको पता करनी है। तो फलक्रम, फुलक्रम बताया है, फालक्रम बताया है, फैलक्रम बताया है, फालक्रम बताया है। तो इसमें सही जो स्पेल्ट है, स्पेलिंग है वो क्या है, तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फालक्रम, फालक्रम, दिस इज राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 28 नंबर का क्वेश्चन से, आप सभी के सामने अच्छे से हम पढ़ेंगे उसको। ये जो सेंटेंस दी गई है कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, इसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस द एरर, यानी जो इसमें एरर दिए गए ग्रामेटिकल कुछ, ठीक है, कुछ जो एरर है उनको आपको सही करना है। दे कुड बी पास देयर एग्जाम इफ दे स्टडीड हार्डर, तो इसमें इफ दे आएगा या फिर स्टडीड हार्डर आएगा, दे कुड बी या पास देयर, यानी इसमें जो एरर है, जो गलत है, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो आपको यहाँ पर उसकी पहचान करनी है दोस्तों। इसका जो सही जो आंसर होगा वो ये कि दे जो कुड बी, दे कुड बी, ये क्या होगा, गलत होगा। यदि इसका फॉर्मेशन देखा जाए तो ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर दी गई, यहाँ पर इसमें जो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर इसमें जो टेलिंग है दोस्तों, यहाँ पर ये जो होगा एरर होगा, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक में टेलिंग है वो सही नहीं है, ठीक है। तो जुलेट इज टेल टू बैन टू कंप्लीट द वर्क इमिडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब, ये का ये क्वेश्चन है। तो आई कैनॉट पुट विद हिज रुडनेस एनी लॉन्गर, तो इसमें क्या एरर है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ही होगा, यानी पुट अप विद, ठीक है, पुट अप विद, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने अप्रोप्रिएट दिया गया है, इसमें आपको जो यहाँ पर जो बैकअप है, मीनिंग दी गई है, मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बैकअप। अब यहाँ पर इसको बैकअप जो है ना, इसको इडियम बताना है, इसमें क्या होगा दोस्तों, इडियम क्या होगा इसका, तो यहाँ पर इसका जो सही जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर ची होगा, यानी डिफेंड या उसका सपोर्ट। बैकअप का क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफेंड या सपोर्ट, ये होगा दोस्तों इसका जो है यहाँ पर इडियम होगा, डिफेंड या उसका सपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अप्रोप्रिएट वर्ड द फिल, इसमें जो भी सही जो यहाँ पर करेक्ट फॉर्मेशन वाला ही यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि द जॉब ऑफर वाज टू गुड फॉर रणजीत टू टर्न फॉर्म, टर्न बैक, टर्न ऑफ, टर्न डाउन, टर्न डाउन, तो यहाँ पर टर्न डाउन आ जाएगा, टर्न डाउन, दिस इज करेक्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने फाइनल क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सभी को करना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट मींस द सेम इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड,
इसका आपको बताना है यहाँ पर सिमिलर वर्ड ही, सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि यहाँ पर इसका विस्तारित जो रूप है वो होता है हार्ड एंड डिफिकल्ट टू हैंड टू बैंड। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्लेबल होगा या फिर उसका रिजिड होगा। तो इसमें जो भी है इसका सही आंसर है वो आप सभी को कॉमेंट करके बताना है। दोस्तों जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल पाई लेते हैं, बस चलने का हौसला रखना जरूरी है क्योंकि अच्छे इंसानों का तो दोस्तों रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आप सभी को दोस्तों अच्छे से चलना है, अच्छे से पढ़ना है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम इन एडवांस दोस्तों। और यहाँ पर और भी क्लासें आएंगी उनको हमारे साथ अटेंड करिए। इंग्लिश हिंदी के लिए ये जो क्लास है वो काफी महत्वपूर्ण क्लास थी, काफी रामबाण प्रश्न हमने हल करवाए और यही प्रश्न आप सभी को एग्जाम के पेपर में हुबहू देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।